व्हाट्स अप गर्ल्स, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और आज डे 27 है और डे 27 का काम शुरू हो गया। आज संडे है तो आप देख सकते हैं कि मैं किस हाल में हूँ। आज मैं भी थोड़ा सा रिलैक्स कर रहा हूँ क्योंकि कॉलिंग वगैरह नहीं है आज, तो आपको अपडेट दे देते हैं। और आज जो कैमरामैन बने हुए हैं वो भी आपको एक बार दिखा देते हैं कौन कैमरामैन है। तो आज कैमरामैन रवि है, तो रवि शूट करेगा और मैं आज आप लोग को पूरा अपडेट दूंगा। तो रवि भाई क्या क्या हो गया? अच्छा, यहाँ पहले यहाँ का दिखा दे। ये हाँ जी सर, इस जगह पे किचन है हमारा, है ना? क्या हो गया किचन में आज? सर किचन का हमारा जो प्लास्टर कर चुके हैं हम, हाँ, जो ब्रिक वर्क था जो भी जी चीज थी वो हम सब कवर कर चुके हैं, आप देख सकते हैं इसको। हाँ, तो ये किचन का जो है ये पूरा सारा चीज हो गया है जी, है ना? और ये ब्रिक, अच्छा यहाँ पे ना एक पाइप लगेगा गैस। हाँ, गैस पाइपलाइन डलेगी उसको, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है ना? जी सर। और यहाँ पंखा वगैरह, फैन का फास्टनर डलेगा। अच्छा ठीक है, एक फास्टनर यहाँ पे लगाना है, फैन का लगेगा। और ये तार निकालने के लिए थोड़ा ठीक है, इसलिए बढ़िया है। और हर जगह पे हमने जो है प्लास्टर वगैरह कर दिया है। ये तराई हुआ है कि नहीं आज? आज करवाई है तराई सर। तो ये तराई इम्पोर्टेंट क्यों है ये बता दो। तराई सर इम्पोर्टेंट हमारी इसलिए होती है ताकि जो हमारा स्ट्रेंथ बनाने के लिए, स्ट्रेंथ जितने हम तराई क्यूरिंग करेंगे जिससे बीच की उसकी वो मजबूती बनेगी। हाँ, तो जो लोग भी नहीं जानते हैं, सबसे पहले इसकी चिलिंग क्या बोलते हैं, इसको चिजलिंग चिजलिंग करते है, हैं, उसके बाद फिर प्लास्टर करते हैं। और प्लास्टर करने के बाद फिर जो है यहाँ पे आपको तराई करनी पड़ती है। हाँ, तराई का मतलब होता है कि पानी डालना पड़ता है। पानी जब तक नहीं डालेंगे तो ये होल्ड नहीं करेगा। और ज्यादातर लोग जो है ये नहीं करते हैं और इसलिए बाद में जाके आप देखोगे क्रैक्स वगैरह बहुत सारे चीज। हाँ, इसकी 10 से 12 दिन तक क्यूरिंग करते हैं जब तक हमारा वो जरूरी है। और एक पॉइंट मैं आप लोग को और बताना चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पे सीमेंट और रेत, इसका भी एक रेशियो होता है। ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। 5:1 है क्या है? 1:4 होता है, 1:4 है ना। लेकिन बाकी लोग क्या करते हैं, जो कपलाबाजी करते हैं, 1:6 कर देते हैं, 1:6 कर देते हैं। 1:4 होना चाहिए, तो इसकी नॉलेज होंगे तो फिर दिक्कत नहीं होंगे। ठीक है, अभी इधर आइए रवि, इधर आना एक सेकेंड। इधर जो है अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये किड्स बेडरूम है। यहाँ पे आज फॉल सीलिंग का काम हो रहा है। भैया एक मिनट रुक जाना। तो यहाँ पे आप देखो ये सारा चीज जो है, भैया एक सेकेंड रुक जाना, भैया एक मिनट रुक जाना। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हो ना, यहाँ पे भैया क्या कर रहे हो ये पहले ये बता दो। पहले जाली लगाते हैं और उसके बाद पीओपी लगाओगे, है ना? जाली लगाने का पर्पस क्या है? जाली क्यों लगाते हैं? ताकि पीओपी गिरे ना, है ना? इसीलिए होल्ड करके रखते हैं। अगर जाली नहीं लगाओ तो पीओपी अटकेगा कैसे? अटकेगा नहीं। हाँ, नहीं रुकेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये जाली, ये एसएस का जाली है, एसएस का जाली है, ठीक है। एसएस का जाली लगाते हैं और ये देखिए कैसे काम हो रहा है। चलिए आप काम करिए, थोड़ा सा दिखा भी देते हैं कैसे काम चलता है। देखिए, तो ये ऐसे स्क्रू फिट करते हैं, है ना? स्क्रू वगैरह ऐसे फिट करेंगे पूरा। और जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि इस रूम में हम कोब लाइट नहीं देंगे क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे थे। और ये इधर बाथरूम का भी एक बार आपको दिखा देते हैं। बाथरूम जो है, ये क्या कर रहे हो आज यहाँ पे? अच्छा, ये सारा चीज आज प्लास्टर हो जाएगा? नहीं नहीं सर, अभी पहले वाटर प्रूफिंग का। अच्छा, वाटर प्रोसेस होगा। हाँ, तो ठीक है, उसके बाद प्लास्टर करेंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पे वाटर प्रूफिंग होंगे। वाटर प्रूफिंग कैसे करते हैं? वाटर प्रूफिंग एक तो अगर हमारा दो तरीके से होती है, एक 101 होता है LW+। अच्छा, और जो वाटर प्रूफिंग का होता है, जब 101 हम जब यूज करते हैं, जब हम मसाला लगाते हैं कहीं भी, तो प्लास्टर हम इसका करेंगे तो उसमें 101 मिला के करेंगे ताकि जो होल्स होते हैं, जो पोर्सेस होते हैं, वो उसके गैप भर जाए, जिससे कि हमारा पानी आगे ट्रेवल ना करे, पानी यहीं रुक जाए। और वाटर प्रूफिंग 301 होता है जिसका हम कोट अप्लाई करते हैं, 2 से 3 कोट अप्लाई करते हैं ताकि एक लेयर बन जाए। और वाटर प्रूफिंग मतलब वो 301 से एक लेयर बन जाती है, कोटिंग हो जाती है, जिससे हमारी पानी नीचे वाली छत पे या बगल में कहीं भी ट्रेवल नहीं करता, ना सीपेज का इशू आता है। तो रवि भाई ऐसा है कि उस बाथरूम में ना कल कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो ऐसा क्यों हुआ और क्या ध्यान रखना बहुत जरूरी है एक बार वो भी बता देते हैं। मेरा तो वैसे टॉप फ्लोर है, ठीक है ना, टॉप फ्लोर है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पे सारा पाइप वगैरह जो है चेंज हो रहा है, तो ये पॉइंट वगैरह मेरे ख्याल से ये लूज, ये जो प्लग था ये लूज हो गया था, जिस वजह से पानी लीक हुआ था, पानी लीक हुआ था और जिसकी वजह से ये हमने ट्रैप जो बना रखा है अभी। हाँ, ये हमारा ट्रैप पहले वॉल फ्लोर में था, अभी हमने वॉल पे कर दिया है। हाँ,
तो जो इसका यहाँ से जो हमने मसाला लगाया था, तो इसमें पहले इसका होल थोड़ा बड़ा था, तो इसमें ब्रिक्स लगानी पड़ती है ताकि मसाला नीचे ना गिरे। तो वो थोड़ा यहाँ पर पाइप है, तो जिसकी वजह से पाइप के रास्ते थोड़ा सा पानी नीचे चला गया था, तो लीक हो रहा था कल। थोड़ा सा कंप्लेन आ रहे थे, तो इसकी वजह से थोड़ा सा आप लोग को ये ध्यान रखना है कि जो भी लेबर वगैरह है उनको आप लोग बता दिया करिए कि सारा जितना भी जॉइंट है ना यहाँ पे वो लीक ना हो, टाइट हो, और डेली बेसिस पे ये चेक करना जरूरी है, नहीं तो नीचे लीकेज होने का, क्योंकि अभी इसमें वाटर प्रूफिंग वगैरह कुछ भी नहीं हो रखा है। तो इसीलिए ये सब छोटे छोटे चीज है जो मैं फेस कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग के साथ दिक्कत ना हो। फ्यूचर में हर किसी को घर सुंदर बनाना पड़ता है ना, बिल्कुल सर। कभी ना कभी जरूरत पड़ेगी। तो अगर ये टिप्स जो मैं आप लोग को खुद एक्सपीरियंस करके बता रहा हूँ, ऐसे मनीष जी तो बहुत सारे टिप्स आपको देते हैं, लेकिन मैं प्रैक्टिकली जो चीज मेरे साथ हो रहा है वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। इसके अलावा और क्या क्या आज हो जाएंगे काम? वो हेलोजन का लाइट, हेलोजन की लाइट मैं सर लेने गया था, तो हेलोजन तो नहीं मिली, बट मैं बल्ब ले आया हूँ। अच्छा ठीक है, काम नहीं रुकेगा। हाँ, क्योंकि कल अचानक जो है ना मौसम चेंज हो गया था, तो 5 बजे ही काम रुक गया था, तो इसलिए मैंने रवि को बोला कि लाइट ले आओ। वैसे आज तो ठीक लग रहा है, वैसे आज हाँ तो हाँ धूप निकली हुई है, कल तो धूप नहीं थी। लेकिन फ्यूचर मतलब शाम के टाइम में क्या हो जाए, अचानक 6 बजे के बाद अंधेरा हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, तो लाइट की भी होती है। तकरीबन 7 बजे तक काम करेंगे आज से, हाँ, तो इसलिए लाइट की थोड़ा सा जरूरत, बिना लाइट के समझ में नहीं आएगा। खास करके जो पीओपी वाला काम होता है ना, ये ध्यान रखना है, हमेशा लाइट जला के पीओपी का काम करना चाहिए। खास करके जब फिनिशिंग होगा तब लाइट जला के करना चाहिए, नहीं तो वो आपको कैसे प्लेन है नहीं है वो पता अंड्यूलेशन जो रह जाती है वो लाइट्स में ही दिखती है, लाइट्स में ही दिख जाता है। जो हम अब रॉयल पेंट होता है, जो भी पेंट की फिनिश होती है वो लाइट में ही होना चाहिए, ताकि जितने भी हमारे डब्बा की अंड्यूलेशन जो होती है वो हमें दिख जाए। तो मैंने 5 घर का कंस्ट्रक्शन करवाया है, मतलब खुद के ही 5 घर थे, ये मेरा 5वां घर है, तो काफी एक्सपीरियंस है। मतलब पिछला घर जो स्टूडियो वाला है उसमें मैं पूरा टाइम दिया था 4 महीने, तो काफी कुछ सीख गया। और मनीष के वीडियोस तो बहुत ही नॉलेजेबल रहते हैं, मैं एक भी वीडियोस नहीं छोड़ता हूँ, मनीष का सारा वीडियोस देखता हूँ। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन के बारे में, इंटीरियर डिजाइनर के बारे में, तो इंटीरियर कोच को फॉलो करिए और उसके वीडियोस देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।